अगर आप भी बेटे की चाह में किसी IVF सेंटर के जाल में फंसकर भारी भरकम पैसा देने को तैयार हो चुके हैं तो सावधान हो जाएं। बेटे की चाह आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। दरअसल दिल्ली पुलिस और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने राजधानी दिल्ली में लंबे वक्त से सक्रिय ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो IVF के जरिए बेटा पैदा कराने के लिए महिलाओं को विदेश भेजता था। करोलबाग के इस कॉल सेंटर के जरिए बेटे की चाह रखने वाली महिलाओं से संपर्क किया जाता था। इस काम के लिए प्रत्येक महिला से 9 लाख रुपए तक लिया जाता था। इस गिरोह के संपर्क में वही महिलाएं आती थीं जिन्हें लड़के की चाह होती थी। गिरोह के सदस्य इन महिलाओं को दुबई, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश में भेजते थे। कल 6 बजे पुलिस वाले आए थे, 1:10 पे सील हो गया था, इतना मालूम है बस। 1:00 रात को 10 मिनट पे सील हुआ था। ये बिल्डिंग किसकी है? ये तो अरोड़ा साहब। अरोड़ा साहब वो क्या काम करते हैं? SDM साहब। SDM अभी हैं या रिटायर हो चुके हैं? वो मैं नेगोर से ही पाल। अच्छा, तो यहाँ पे कब से ये काम चल रहा है ये कुछ अंदाजा नहीं आपको? कुछ मालूम। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे? पुलिस को इस गिरोह की जानकारी कीर्ति नगर में IVF सेंटर पर की गई छापेमारी के दौरान मिली थी। कॉल सेंटर का देश भर में करीब 100 IVF सेंटर से टाइप था और ये कॉल सेंटर बीते 2 साल से चल रहा था जिसमें करीब 300 से ज्यादा लोग काम करते थे। जानकारी के मुताबिक इसका मालिक IIT पास आउट इंजीनियर है जो अभी तक कॉल सेंटर से करीब 6 लाख मरीजों को विदेश भेज चुका है। पुलिस की इस रेड में कॉल सेंटर से 300 लैपटॉप जब्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल इन लैपटॉप में मौजूद डेटा तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने FSL की टीम से भी मदद मांगी है। पुलिस उन दंपतियों तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही है जिन्होंने बेटे की चाहत पूरी करने के लिए इस गिरोह से संपर्क किया था। मामले में पुलिस की जांच जारी है और खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। नवोदय टाइम्स के लिए कमल कंसल के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।